नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर हरदोई से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा घेरा कार्यक्रम के अंतर्गत युवा नेता पुनीत सिंह भोलू की अगुवाई में हरदोई विधानसभा के 52 ब्लॉक के ग्राम पहेलिया में युवाओं, नौजवानों, छात्रों व छात्राओं से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव संजय कश्यप, समाजवादी छात्र सभा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव मुकुल सिंह आशा मिले। सपा नेता मुकुल सिंह आशा ने कहा कि इस समय की मौजूदा सरकार ने युवाओं, नौजवानों के साथ ठगी की है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं, वहीं बढ़ती बेरोजगारी, महंगी शिक्षा से छात्र परेशान हैं। छात्र संघ चुनाव न होना चिंता का विषय है। लगातार छात्रों पर फर्जी अपराधी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था बदहाल है। बहन बेटियों के साथ लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन सभी बातों को लेकर युवाओं से आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा घेरा कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा की गई। सपा नेता संजय कश्यप ने युवाओं से अपील की कि आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक कर युवाओं, नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों के नेता, विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का काम करें, जिससे समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनते ही माननीय अखिलेश यादव जी फिर से उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास कर सकेंगे। इस मौके पर 52 ब्लॉक अध्यक्ष अनिलेश सिंह, अवनीश सिंह, सुनील सिंह, संजीव सिंह, बलराम शर्मा, अंकित सिंह, रवि सिंह, गोलू सिंह, आशीष सिंह, रहीस कुमार, विपुल सिंह, राजू गुप्ता, गगन शर्मा, विवेक तिवारी, गुलवीर यादव, अमर सिंह, सोमेश शुक्ला, निर्भान यादव आदि युवा मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा घेरा कार्यक्रम के तहत हम सब समाजवादी लोग 52 ब्लॉक की ग्राम सभा पहलिया में युवाओं से मिले। युवाओं से अपील की कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। 2012 से 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने युवाओं, नौजवानों के लिए बेहतर कार्य किए। युवाओं को बेहतर रोजगार दिया, नौजवानों को रोजगार दिया, युवाओं को लैपटॉप दिए, जिससे कि आगे की पढ़ाई में उनको उसकी सहूलियत मिलती थी। उस लैपटॉप के जरिए वो आगे की पढ़ाई को सरल बना रहे थे। और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ ठगी की है, नौजवानों को ठगने का कार्य किया है। बेरोजगार शून्य है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और इसीलिए युवाओं से अपील की गई कि 2022 में फिर से अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश। हरदोई से विरोची रवि प्रकाश शुक्ला के साथ कैमरामैन प्रमोद कुमार की खास रिपोर्ट।